मैं धीरेन्द्र शास्त्री से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप दुनिया जहान की पर्ची बनाते हो, उनके मन की बात लिख देते हो, अपने भाई के मन की बात क्यों नहीं लिख पाए? अपने भाई की पर्ची तुमने क्यों नहीं बनाई और वो देखा क्यों नहीं कि उन पे FIR होने वाली है, उन पे तमाम धाराएं लगने वाली हैं? आपने क्यों नहीं उस समय देखा था जब तमंचा लहरा रहे थे कि हमारे भाई जा रहे हैं गुंडागर्दी करने के लिए? आप शायद भूल गए थे क्या? आपके भाई जिस तरीके से गाली गलौज कर रहे थे वो सनातन की महिमा मंडन कर रहे थे, सनातन का बहुत प्रचार प्रसार कर रहे थे, आपकी भाषा में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, वो अखंड भारत बना रहे थे दलितों के ऊपर तमंचा लहरा करके, उनको कह रहे थे, और यहां तक कि तो हाथापाई भी की, वीडियो में साफ दिख रहा है। अरे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, अभी आप 26 साल के हो, और वो बड़ी शानदार एक शायरी है कि जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अरे बाबू सुधर जाओ, ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में जनता और लोग जितनी प्यार से जितनी मोहब्बत से सराखों पर चढ़ाते हैं लोगों को, उतनी ही खतरनाक तरीके से लोगों को उतारते भी हैं। उदाहरण के तौर पर तुम्हारे सामने कई लोग हैं इस ऋषि संप्रदाय में ही, संत संप्रदाय में ही, इस बात को आप याद रखिएगा। और एक बात बताओ, क्या एक्शन लोगे आप अपने भाई पर? उनके खिलाफ बोलोगे आप मंच पर बैठ करके? क्या कहीं स्टाम्प पेपर पर लिख के ये तो नहीं दे दोगे कि हमने तो पहले ही लिख दिया था कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है? नहीं कह सकते गुरु। आप तो बता रहे थे कि हमारी पीढ़ियों की परंपरा, आप तो चाय को नहीं छोड़ा, आपने दूसरों को चाय के लिए मना करते हो, नहीं हमारी तो जारी रहेगी। अच्छा गोपाल तिवारी जी, दलितों पर आखिर अत्याचार कब तक? देखिए बात यहाँ दलित की नहीं है, बात यहाँ ये है कि हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। अब तो मुझे, पहले तो मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, नए नए हो आप, उम्र आपकी बहुत कम है इसलिए जोश है, लेकिन अब मुझे लगता है इस जोश के पीछे आप होश खो बैठे, और उस होश के पीछे अर्थात पर्दे के पीछे खेल कुछ और है। और अगर आपने अपने भाई पर सामने आकर के कोई एक्शन नहीं लिया, आपने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हम इसको सजा के लिए कहते हैं, पुलिस प्रशासन से कहते हैं, सरकार से कहते हैं कि इसको जो सजा बने वो सजा देनी चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं कहते हो तो ये जनता जो है आपको एक्सपोज जरूर करेगी, और खासकर हमारे जैसे तमाम लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। आप भी तो ब्राह्मण हैं और वो भी ब्राह्मण हैं, अंतर क्या है? देखिए अंतर है, हम ब्राह्मण हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, हम किसी को गाली गलौज नहीं करते, हम जितना अपने आप से प्यार करते हैं उतना ही हम दलित से, ओबीसी से प्यार करते हैं, उतना ही मुसलमान से प्यार करते हैं, सिख और ईसाई से प्यार करते हैं, हम डबल स्टैंडर्ड बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक शख्स हमारा भाई है, रहने वाली प्रत्येक बहन हमारी बहन है, हम दो मुहां बात नहीं करते हैं, और ये दो मुहां बात करने वाले लोग जानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान नाजुकता के दौर से पला बड़ा है, यहाँ भावनाएं बड़ी तेजी से लोगों की बहती हैं, तो भावनाएं अब हिंदुओं की तुम उठाते जाओ, दूसरों को गाली देते जाओ, तमाम डायलॉगबाजी करते जाओ, लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा माहौल बनता चला जाएगा और तुम जो है सेलिब्रिटी बन जाओगे। क्या इनके भाई पे कार्रवाई होगी? बड़े बड़े मंत्री तो जाके मत्था टेक। कार्रवाई, सवाल गलत पूछ रहे हो आप, ये पूछो कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री अपने भाई पर कार्रवाई करेंगे, ऐसे पूछो सवाल, समझ गए? तो अब देखना यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भाई पर क्या कार्रवाई करते हैं। देखो ये मंच से कहते हैं ना कि दिया जाएगा, ये कहते हैं ना ठठरी बांध देंगे, नक्कटा कहते हैं, अपने भाई की ठठरी बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे देखना यह है, अपने भाई को नक्कटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे यह देखना है, क्या अपने भाई को, एक पत्रकार को कहा था कर दिया जाएगा, अब देखना यह है कि अपने भाई को करते हैं कि नहीं करते। वैसे तो साधु की ये भाषा नहीं होती, पता नहीं है कौन से साधु और कौन सी परंपरा में ये पले बड़े हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आप पे तो हनुमान जी की साक्षात कृपा है, बागेश्वर धाम की साक्षात कृपा है, सन्यासी बाबा की साक्षात कृपा है, तो सन्यासी के वंश में ऐसा गाली गलौज करने वाला गुंडा अंश बनकर के पैदा हो ये तो कल्पना नहीं की जा सकती है, अब उन पर क्या एक्शन आप लोगे ये देखना है। लेकिन वहाँ के जो निवासी थे वो बता रहे थे कि बुंदेलखंडी गाना बजा रहे थे, वो बाबा का गाना चाह रहे थे, तो बाबा का गाना बजा ही नहीं रहे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए अच्छी खासी तरीके से कि जो सनातन परंपरा में पला बड़ा होता है ना उसकी भाषा कभी अमर्यादित नहीं हो सकती है। अगर इनकी भाषा अमर्यादित है और समय समय पर निकल रही है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि इस समय हिंदुस्तान के तमाम धर्माचार्य इनके साथ खड़े हो रहे हैं, इनकी बातें कर रहे हैं, नेशनल टेलीविजन प्रमोट करने में लगा हुआ है, क्योंकि
कि 2024 में चुनाव है और चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए एक एजेंट के रूप में ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उनका भाई जो है उसी गुरूर में, उसी अहंकार में कि मेरा भाई तो है यहाँ, तो अच्छे खासे लोग नतमस्तक होने के लिए आते हैं, उसी गुरूर में ही तो सब कर रहा है। जनेऊधारी ब्राह्मण है वो? अरे कोई धारी ब्राह्मण हो, पहली बात तो चलो उनकी तो मान लेता हूँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वो जनेऊधारी हैं, लेकिन उनका भाई ये कौन सा ब्राह्मण है भाई? ऐसा ब्राह्मण तो रावण भी था, उसका अंत क्या हुआ? क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? मैं मैसेज देने की कोशिश नहीं, आप ये समझिए कि पीठ पर बैठ करके, व्यास पीठ पर बैठ करके तुम दुनिया जहान को तो ज्ञान देते हो, अपने भाई को ज्ञान क्यों नहीं दे पाए? दुनिया जहान की पर्ची बनाते हो, अपने भाई की पर्ची क्यों नहीं बना पाए? तुम्हें ये क्यों पहले नहीं ज्ञात हो गया, भविष्यवाणी क्यों नहीं हो गई कि उस पर FIR होने वाली है? अगर तुम्हें मालूम होता तो तुम जाके मैनेज कर सकते थे पुलिस वालों को। हाँ तो ये हो सकता है, तो ये तमाम चीज़ें आप समझिए। तो ये जो ढोंग और ये जो पाखंड है ये उजागर होगा एक ना एक दिन, और इन्हीं का नहीं, इनके जैसे तमाम लोग हैं जो इस हिंदुस्तान को लूटने पर लगे हुए हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और खुले तौर पर तमाम लोग, देखिए वहाँ कौन जाता है आप बताइए, आप समझिए, बीमार लोग जाते हैं, परेशान लोग जाते हैं, हॉस्पिटल में जिनको जवाब दे दिया जाता है कि अब तुम्हारा इलाज यहाँ नहीं हो सकता, बेचारे बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, और ऐसे लोगों को तुम रुद्राक्ष दे दो, तुम माला दे दो, तुम पानी दे दो, कमंडल दे दो, मंडल दे दो, कुछ भी दे दो, विश्वास के साथ बेचारे वो उम्मीद उन्हें रहती है कि शायद हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए, शायद मैं बच जाऊँ, तो इस उम्मीद के साथ जाते हैं। और ऐसे लोग जो जाते हैं, अब उनको तुम दुनिया भर की बातें उनके दिमाग में ठूस करके हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना राष्ट्र बनाएंगे, ढकाना राष्ट्र बनाएंगे, और पहले अखंड राष्ट्र बनाने से पहले तुम जो है अपने भाई को गाली मुक्त बनाओ, वो तमंचा मुक्त बनाओ, कहते कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, यही तो बात उन्हें अपने भाई को समझानी चाहिए, यही बात उन्हें अपने भाई को समझानी चाहिए कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब इतना माहौल बनाया हुआ है बाबा ने, और उनका भाई जो है उनके माहौल को बिगाड़ने पर लगा हुआ है पूरी तरीके से, एक तरफ उनकी वाहवाही हो रही, दूसरी तरफ वो तमंचे लहरा रहा है, एक तरफ वो सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ वो गाली दे रहा है। जब इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है ना, पहला एग्जिट पोल है बाबा की लुटिया डुबोने का, पहला एग्जिट पोल है, समझ रहे हो ना? हाँ चलिए।